हूँ पहली पहली बार वे होने लगा दिल। संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है। मिस्टर माही को एक्चुअली हम बनारस में थे, वाराणसी में थे और वहाँ हमने फिल्म की प्रमोशन की और वो वहाँ एक्चुअली दूसरी फिल्म की शूट भी कर रहे हैं, तो अब उनका आना जाना होगा प्रमोशन में। जो भी सिटीज में जा रही हूँ वो कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि वो वहाँ यहाँ रहना चाहें। इनफैक्ट वो कल इतने सैड हो गए थे, कह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म को प्रमोट करने का मज़ा ही अलग है, ये जो जोश आप अंदर से महसूस करते हो। सो ही रियली वॉन्ट टू बी हियर but he's got his film commitments, उनके बिहाफ में मैं डबल एनर्जी लेकर आई हूँ आप लोगों को इससे मिलने और बातचीत करने। And we're all too excited about it, yeah. We heard आपने कल, इनफैक्ट मैंने तो रील भी देखा which is going viral, you were in Varanasi for promoting your movie. So how was your experience, you know, doing Ganga Aarti and having that fun? We all just loved it. It was beautiful, actually. मेरा ये मानना है कि बहुत ही शुभ नोट पर हमारा प्रमोशन टूर शुरू हुआ है। बहुत टाइम से, आई थिंक बचपन से वाराणसी से एक अलग टाइप का फैसिनेशन था। इतनी ऐतिहासिक जगह है, इतना कल्चर है, वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने हमारी फिल्म की प्रमोशन वहाँ से शुरू की, गंगा। That's what my next question was, but I think I already got the answer that you started your promotions with Varanasi. So what was the particular reason about it? And I think you're good to go. I mean, honestly, it was, the reason was because Raj वहाँ shoot कर रहे थे, but I think, you know, there was a divine plan because we couldn't have asked for a better way to start promotions with the Ganga Aarti. I think it really set us up on the right note. Alright everybody, I think we're good to go and let's start with a Q&A session. The media has been very very excited to be asking you questions and I'm sure they're all prepared. But you guys, just one thing, I would request you all to kindly stick to the film and before asking question, please raise your hands. Thank you. Thank you, Jani. I was a आई थिंक गुडला जेरी को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी या नहीं, मिली के आसपास के टाइम का था। एंड आई वाज अबाउट 8-9 किलोस हैवियर एंड शरण वाज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज़ ही केप्ट सेइंग यू डोंट लुक लाइक अ क्रिटिकम, इफ यू रियली वांट टू डू दिस फिल्म यू नीड टू स्टार्ट लूजिंग वेट, यू नीड टू स्टार्ट ट्रेनिंग इन क्रिकेट। तो मेरा डेली रूटीन ऐसे था, एट द पीक ऑफ माय ट्रेनिंग मेरे जो कोच थे अभिषेक नायर वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है हमारे आईपीएल प्लेयर्स के साथ भी नहीं की जाती उतना इंटेंस। सो आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू गो टू अहेड ऑफ पवन एट द स्पेस फॉर हंगर, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द नेट्स इन सम ऑफ हिज केकेआर प्लेयर्स हू ही जस्ट रिसेंटली रिक्रूटेड। तो 2 घंटे वहाँ नेट प्रैक्टिस होती थी, मैं गाना आती थी, वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था, तकरीबन 1 घंटे तक चलता था। फिर मैं मीटिंग्स करती थी, अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी। फिर पैकअप के बाद मैं वापस बैंड्रा के किसी ग्राउंड में 2 घंटे और प्रैक्टिस करती थी। तो या इट वाज एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ 5-6 आवर्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एवरी डे। आई वाज फॉलोइंग अ वेरी लो काम डाइट एंड देन आई वाज शूटिंग साइमल्टेनियसली फॉर अदर थिंग्स एंड माय अदर डायरेक्टर्स and producers would get very upset because I keep losing weight and I guess looking a little tired, but I remember I went to my schedule of Pawan and Nitesh sir looked at me and he said, "Ye Nisha nahi hai, kahan chale gayi, tum to aadhi ho gayi ho." And I was shooting, I shot for 3 days of data, so I didn't know, they were like, you're not glowing like you were in the look test, you're looking a little tired, and that was just during the course of this film and I think it went on for a while, but feeling like myself here. And of course injuries काफी थे, काफी लंबा process था। सारे messages हैं। In fact मैंने और राज ने, हम script सुनते ही film पर इस तरह ऐसे कूद गए क्योंकि ये फिल्म के जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रही है वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है। ये फिल्म है सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, ये फिल्म है सपनों के बारे में, सबसे ज़्यादा सपनों के बारे में है। इतनी बार होता है लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आपको वो जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपके फैमिली से,
आपके नजदीकी लोगों से वो नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए वो नहीं होती है। तो ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जिनको हिम्मत नहीं मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागे। उन लोगों के बारे में भी है जो कि अपने पार्टनर्स या दोस्त या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं उस जर्नी में, उस अनुभव में। और ये फिल्म है पति पत्नी के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार है, अरेंज मैरिज में कैसे आप एक दूसरे को डिस्कवर जानने लगते हैं शादी के बाद, प्यार करने लगते हैं। तो ये उन रिश्तों के बारे में है, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में है। आई थिंक आप जितने भी बड़े हो जाए, वो पापा का वैलिडेशन हमेशा मायने रखता है, हमेशा एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। तो ये फिल्म इन सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे हम इस दौर में फेम के पीछे कितने पागल हुए हुए हैं, वैलिडेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे इतने दीवाने हैं, तो वो हमारे मानसिक स्थिति को कैसे अफेक्ट करता है, ये इन सारे चीज़ों के बारे में। द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट आई थिंक टू अंडरस्टैंड द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ समवन हु, बिकॉज डॉक्टर बनना आसान तो नहीं होता है, देयर सो मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड हार्ड वर्क दैट गो इन टू, यू नीड टू कमिट योर सेल्फ टू दैट लाइफ स्टाइल। ऐसे नहीं कि ऊपर से हाँ मैं बस कुछ छोटा मोटा कर रही हूँ, इट्स अ फुल ऑन कमिटमेंट। सो टू अंडरस्टैंड हाउ महिमा एज अ गर्ल हुज कमिटेड सो मेनी इयर्स एंड आवर्स टू बिकमिंग अ डॉक्टर डिसाइड्स टू give that up, what makes her do that, how important cricket was to her beforehand for her to make that switch, I think understanding that was very important for me. And yeah, as far as the cricket part goes, I think definitely for me personally, shooting through the injuries was very difficult. Last question. Hi, Jaji. मैंने इसे देखा है कि आपने इस फिल्म में ही क्रिकेट डिस कर दी। आप इंडियन क्रिकेट टीम में किस तरीके का मतलब पूरा वो चल रहा है? बहुत मजेदार किरदार है, और सबसे ज्यादा ऑनेस्टली मुझे मज़ा उस सेट पे आता है, क्योंकि जिस प्यार से वो लोग अपने काम को निभाते हैं, करते हैं, जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं, और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत होती है, जो कन्विक्शन के साथ वो लोग हर कहानी को दर्शाते हैं, एक अलग ही मिजाज, जज्बा, तेवर होता है उनकी फिल्मों में। और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है। सबको बताने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, कि मैंने भी कुछ किया है लाइफ में। मैं क्रिकेट के लिए बनी नहीं हूँ। अगर क्रिकेट वो चीज़ है